किलोमीटर। हिजबुल्ला के लगातार हमले झेल रहा इसराइल का धैर्य अब टूट चुका है। नॉर्थ इसराइल से इजरायली नागरिकों का पलायन लगातार जारी है। नॉर्थ इसराइल का एक बड़ा इलाका हिजबुल्ला के हमलों से खाक हो चुका है, क्योंकि नॉर्थ इसराइली इलाकों पर लगातार हिजबुल्ला के रॉकेट बरस रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट ये भी है कि हिजबुल्ला और उसे ताकत देने वाले ईरान के खिलाफ इसराइल ने हमले का ब्लूप्रिंट अब तैयार कर लिया है। गोलन हाइट्स में मजदल शम्स इलाके में फुटबॉल मैदान का निर्दोष लोगों का खून बहाने वाले हिजबुल्ला को इसराइल अब सबक सिखाने के मोड में आ चुका है। यकीन ना आए तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान को देख लीजिए। नेतन्याहू का कहना है, गोलन हाइट्स रॉकेट हमले के बाद इजरायल चुप नहीं बैठेगा। मतलब साफ है कि इजरायल अब चुप नहीं बैठने वाला है।